अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज की रेसिपी है शेज़वान चटनी चटकारा बूटी कबाब, जो मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे, इतना टेस्टी है, इतना लजीज और इतना अच्छा इसका मेथड है। आपको बेहद इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपको बेहद पसंद आएंगी। आप पसंद आए तो प्लीज़ जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर ले, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूले। सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को गाइस। और इतने अच्छे टेस्टी बनकर रेडी हो गए हैं, देखिए मैं इसे तोड़कर भी आपको बताती हूँ, इतने अच्छे बने हैं। तो बकरीद स्पेशल है तो आप ज़रूर इसे बनाइए और अपने मेहमानों के साथ इंजॉय कीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने इसमें ली हूँ ये 400 ग्राम मटन है। देखिए इस तरह से आपको पीसेस बनाना है, बड़े बड़े इस तरह से। देखिए तो आपके कबाब परफेक्ट बनेंगे इस तरह से, बड़े बड़े। देखिए मैंने इस तरह से पूरे बनवाया है बुचर से, तो आप भी इस तरह से बनवा लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ये पपाया पेस्ट है, जो गलने में मदद करता है, गोश्त इजीली इसमें गल जाता है। तो ये मैंने इस तरह से बनाकर फ्रिज में रखा है, एयर कंटेनर में। देखिए कांच का जार है, ग्लास जार, उसमें रख दीजिए आप, तो आप काम आएगा। बकरीद स्पेशल है, बकरीद है तो ये ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, क्योंकि कभी हमें गोश्त सख्त मिलता है तो कभी नर मिलता है। तो जब भी आपको सख्त मिला तो आपको इस तरह का एक नुस्खा अपनाएंगे तो आप जल्द से जल्द ये आप कबाब अच्छे से बना सकेंगे, चाहे गोश्त फ्राई हो चाहे बिरयानी हो, आप हर चीज़ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त गलाने के लिए। तो ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ये ताज़ा अदरक लहसुन है, तो हमें एक टेबल स्पून लगेगा। कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें मैं कलरफुल के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बस एक टी स्पून ले लीजिए। और ये है शेज़वान सॉस। देखिए ये शेज़वान चटनी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए आप चाहे सॉस भी डाल सकते हैं, ये बहुत चटपटी रहती है, तो इससे कबाब हमारे अच्छे बनते हैं, बूटी कबाब। मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब है इस वजह थोड़ी रही हूँ गाइस, वरना मैं आपको बेहद जल्द से जल्द देने वाली थी, लेकिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है मुझे थोड़ा सा है। बस क्वार्टर स्पून डालना है आपको, ज़्यादा नहीं। और ये नमक आपके टेस्ट के अनुसार डालीजिए, यानी स्वाद अनुसार। मैं एक टेबल स्पून से भी कम डाल रही हूँ, क्योंकि शेज़वान चटनी में नमक होता है। मसाले हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे, काफ़ी मसाले में ऐड करूँगी। ये आपको 1 टीस्पून डालना है, कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे। और ये मैं देखिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इससे अच्छा आता है, ये आप ज़रूर डालिए इसमें, बस 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून। ये कच्चा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिना पकाए के, तो इसलिए 1 ही टीस्पून काफ़ी है इसमें। इसमें मैं विनेगर डाल रही हूँ, वाइट विनेगर, ये तो हर एक के घर में अभी अवेलेबल रहेगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है, खटास इसमें बरकरार रहती है। नींबू से कड़वा हटाती है बोटी कबाब में, तो आप विनेगर इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट रहेगा। ये हम 1 टीस्पून जीरा लेते हैं, सफ़ेद जीरा। और ये है धनिया, 1.5 टीस्पून या 1 टेबल स्पून ले लीजिए आप। काली मिर्ची डाल रही हूँ, स्लो फ्लेम पे कीजिए। और ये है कबाब चीनी, बस 2 से 4। और थोड़ा सा शाही ज़ीरा, दो लौंग, दालचीनी का पीस, 2 इलायची, इससे 4 चांद लगते हैं आपकी डिश में, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। हरी इलायची, बड़ी इलायची मत यूज़ कीजिए, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये है स्टार एनीस, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
ये जावित्री का फूल है ये, देखिए बस एक टुकड़ा ले रही हूँ, छोटा सा टुकड़ा लीजिए जायफल का। बस इन सारे चीज़ों को हल्के से हम रोस्ट करते हैं, बस इतने ही मसाले इसमें लगेंगे। एकदम चटकारा कबाब बनकर रेडी होता है। बस इसे हम थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हमें इसे भूनना है, रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। हम ये डाल देंगे, अच्छे से हम कूट लेते हैं। ये दरदरा सा मसाला मैंने तैयार कर लिया है चटकारा कबाब के लिए। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इन सारे मसालों को विनेगर, ऑयल में मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आप ज़रूर इस तरह की डिश आपके बकरीद स्पेशल ट्राई कीजिए। तो देखिए चटकारा बूटी कबाब का ये मैरिनेशन तैयार हो चुका है, तो इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से गल भी जाएंगे और ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएंगे मसाले में। चलो ये मसाले सब रेडी हो चुके हैं, हम इसमें डाल दिए हैं, ये मैरिनेशन पूरा तैयार हो गया है, इसे हम रेस्ट दे देते हैं। ओके, तो गाइस मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छे से बढ़ जाएगा। एकदम चटकारे बूटी कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। ये मैंने पूरा 3 घंटे लग गया है मुझे इसे मैरिनेट कर। मैं आपको 2 घंटे बताई थी, लेकिन मेरे पास टाइम ज़्यादा था, इसके वजह से मैं 3 घंटे से रेस्ट दे रही हूँ। तो अब इसे हम थोड़ा सा स्मोक करेंगे। स्मोक करने से इसमें एकदम बाजार जैसा फ्लेवर आ जाएगा। मैं कलर आने के लिए थोड़ा सा कलर भी यूज किया है, रेड कलर। इसमें थोड़ा, अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड कीजिए ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू बनी रहे। स्मोक कर देंगे, तो देखिए गाइस ये अच्छा स्मोक हो चुका है। अब एक स्क्यूवर्स लेंगे हम, मैंने स्टिक्स के लिया है, तो अभी से हम इसमें डाल देंगे इजीली। जैसा कि हम कोई चीज़ सीते हैं उस तरह से, जैसा कि हम सुई से धागा डालकर हम जिस तरह से पुरोते हैं उस तरह से हमें पुरोना है इस तरह से, क्योंकि मैंने पीसेस बहुत बड़े बड़े लिया है। तो देखिए इस तरह से, तो ये एक एक स्क्यूअर्स में 2-2 आ जाएंगे। तो देखिए मेरा गोश्त, ये जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था वो भी बहुत अच्छे से एकदम टेंडर हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे एक एक करके जमा लेंगे। तो गाइस इस तरह से सारी बोटियां हम इस तरह से पुरो कर, देखिए इस तरह से पुरो लेना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी लग रही हैं पीसेस तो आप छोटी भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ी हो गई हैं पीसेस तो मैं इसका भी आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से हम इसे निकाल कर एक जगह करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारे कबाब सारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे
तो इसे हम तीन तीन मिनट से चार मिनट लगने दीजिए वन वन साइड, क्योंकि ये मटन है तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ये चिकन होता तो ये जल्द से जल्द बन जाता। मटन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तीन से दो मिनट, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये अभी नहीं हुआ है, तो देखिए मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे रखा था। अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए बकरी स्पेशल मटन बोटी कबाब। देखिए चटकारा मटन बोटी कबाब ये रेडी हो रहे हैं। अंदर तक अच्छे से सेक के जाना है, अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसमें पपाया का पेस्ट लगाया था, यानी इसका जो छिलका होता है मैंने इसका पेस्ट बनाकर लगाई है। तरह से आप प्रेस करते हुए इसे सेक लीजिए ताकि ये गोश्त हर तरफ से अच्छा सा सेका जाए। देखिए इसके पीछे सभी कड़क होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ये गोश्त अच्छा सा सेके जा रहा है। तो मैं मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ तो इसका कलर भी अच्छा बने रहेगा और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया अंदर तक। तो देखिए गाइस ये कबाब बनकर रेडी हो गया, शेजवान चटनी चटकारा कबाब बोटी कबाब बनकर रेडी हो गया और इतने सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ, देखिए इस तरह से कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट बने हैं, आप इस तरह से इसे खा भी सकते हैं नींबू निचड़ कर। इस तरह से आप खा सकते हैं। तो देखिए गाइस जिस किसे भी मेरी डिशेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। खाइए खिलाइए अपने परिवार को, खुश रखिए।
ईद का मौका है, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक।